we will discuss about the introduction of sheet metal, introduction, fabrication techniques of sheet metal, tools and equipments. इस लेक्चर में हम सब कुछ यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. मटेरियल यूज्ड इन शीट मेटल, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं जो शीट मेटल में हम यूज़ करते हैं, मतलब शीट की फॉर्म में हम उन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं. फिर फैब्रिकेशन में हमें जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है आउटर बॉडी के लिए, इनर पार्ट्स के लिए या लाइट मेटल पार्ट्स के लिए, हम वहाँ पे शीट मेटल का प्रोसेस का यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड हम बात करेंगे लास्ट में बेसिक ऑपरेशंस ऑफ शीट मेटल जो कि हमारे शीट मेटल में यूज़ होते हैं. ऑपरेशंस, मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, फैब्रिकेशन टेक्निक एंड इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये जो एरिया है हमारा शीट मेटल का, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है. हम इसको नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते कि इसके बगैर हमारा काम चल जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए अगर आपका कोई टॉपिक वहाँ से रह गया हो. वेल्डिंग के रिगार्डिंग, कास्टिंग के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स सीरीज़ के अंदर वहाँ पर रखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले शीट मेटल होता क्या है बेसिकली, ठीक है, ये देखते हैं कि होता क्या. शीट मेटल फैब्रिकेशन कन्वर्ट्स फ्लैट शीट्स, जो फ्लैट शीट्स होती हैं और लाइक स्टील जी आई मीन्स गैल्वनाइज्ड आयरन, एल्युमिनियम शीट्स इनटू मेटल स्ट्रक्चर्स, फ्रेम्स बनते हैं हमारे प्रोडक्ट बाय कटिंग. ये ऑपरेशंस कौन से हैं, बाय कटिंग ऑपरेशन से बना सकते हैं, पंचिंग, फोल्डिंग एंड असेंबलिंग. शीट मेटल कैन बी कट, बैंड, स्ट्रेच इनटू नियरली एनी शेप साइज, किसी भी शेप और साइज़ के अंदर आप शीट मेटल को कट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, विच इज़ जनरली डन बाय द कटिंग एंड बर्निंग द मेटल विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर शीट मेटल टूल्स. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज टूल्स, बिकॉज लॉट ऑफ द वर्क ऑफ द शीट मेटल डन बाय द प्रेस मशीन्स. ठीक है, सीजर्स, ओके, एंड होल्डिंग टूल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड डाई एंड पंचेस. सो द एक्यूरेसी ऑफ दीज इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डायमेंशंस. ओके, अब आगे चलते हैं कि जो टेक्निक्स हमारी शीट मेटल में कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं. शीट मेटल जो शॉप होती है हमारी वर्कशॉप के अंदर, शीट मेटल शॉप के अंदर, उसमें कौन कौन से टेक्निक से हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं या फैब्रिकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले जो ऑपरेशन होगा हमारा, कॉमन बेसिक कॉमन ऑपरेशंस हैं, बेंडिंग ऑपरेशन. बेंडिंग ऑपरेशन इसके नाम से सजेस्ट है कि आपको इसे बेंड करना है. ठीक है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिंग मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं. इवन आप जो आपका मैलेट है वहाँ, उससे भी आप छोटा मोटा आप उसको बेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. बट कॉन्टीन्यूस बहुत बड़ी शीट है उसको बेंड करना है तो आप प्रेस मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं. अब प्रोसेस डन बाय हैमरिंग और प्रेसिंग मशीन्स, ठीक है, इसको बेंडिंग बोलते हैं. ब्लैंकिंग, अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट इज कट आउट ऑफ द शीट मेटल एंड द मटेरियल अराउंड द पार्ट इज डिस्कार्डेड. अगर कोई शीट है उसमें से अगर आपको एक पीस काट करके निकालना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लैंकिंग ऑपरेशन. ठीक है, कटिंग ऑपरेशन क्या है, नेम सजेस्ट करा, कटिंग ऑपरेशन इज वेरी सिंपल कि आपको कुछ कट करना है बट विद द हेल्प ऑफ टूल. सॉइंग, शेयरिंग, चिजलिंग विद मैनुअल एंड पावर टूल्स, आप मैनुअली भी कर सकते हैं और पावर टूल्स जो हमारे इलेक्ट्रिक टूल्स हैं, हैवी ड्यूटी जो टूल्स हैं हमारे, उससे भी कर सकते हैं. टॉर्चिंग विद हैंडल्ड प्लाज्मा टॉर्च, ठीक है, कटिंग आजकल जैसे लेजर कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं हम यूजिंग कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है CNC. ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल. ठीक है, कटर्स लाइक लेजर्स. डाई कटिंग विद हेल्प ऑफ डाई, की हेल्प से हमें कटिंग करनी है. अ प्रोसेस दैट कट्स मेटल पीस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ चिप और द यूज़ ऑफ बर्निंग और मेल्टिंग, ऑल्सो नोन एज शेयरिंग. ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, चिप्स की फॉर्मेशन नहीं करनी है. चिप्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, अगर आपको याद हो तो जब हमने वेल्डिंग क्या नाम है मशीन शॉप हमने की थी तो उसमें हमने क्या किया था, लेथ मशीन किया था. लेथ मशीन के अंदर हमारे क्या होते हैं, चिप फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, और चिप भी आपके दो टाइप के होते हैं, कौन सा, कॉन्टीन्यूस चिप और बिल्डअप चिप्स होते हैं. ठीक है, जो एक तो कॉन्टीन्यूस आपको चिप्स मिलते रहेंगे लाइक दिस,
और कुछ चिप्स क्या होंगे ऐसे ऐसे बनेंगे फिर टूट जाएंगे फिर टूट जाएंगे, ठीक है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है और टूल की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फास्टनिंग अ प्रोसेस यूजिंग सेल्फ क्लिंचिंग टूल्स लाइक नट स्टड्स स्पेसर एक्सेस हार्डवेयर और केबल टाई माउंट और हुक्स टू प्रोवाइड टॉर्क रेजिस्टेंस इन एप्लीकेशन वेयर द शीट मेटल इज़ टू थिन इज़ टू बी सिक्योर्ड बाय अदर मैटर्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फास्टनिंग। फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है? फिनिशिंग करने के लिए लास्ट में जब हमारे जो ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑपरेशन हो जाते हैं उसके बाद हम करते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ कम्प्लीटेड मेटल प्रोजेक्ट सर्फेस इज अल्टर टू अचीव अ सर्टेन प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इम्प्रूव अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए एडहेसिव एंड वेल्डेबिलिटी, ठीक है, सोल्डरिंग, कोरोजन, टार्निश केमिकल, वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन कंट्रोल एंड ब्लेमिश रिमूवल। उस सारे ऑपरेशन का मतलब जो आपको जब सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, प्रोडक्ट हमारा हमें लॉन्च करना है बाहर जाना है, उससे पहले हम क्या करते हैं उसको फिनिश करते हैं, उसको उसका लेक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, उसके डायमेंशन को एक बार फिर दोबारा चेक कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, एडहेसिव कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं सरफेस फिनिश को, ठीक है। कोई अगर आपका कोरोजन वगैरह हो गया तो उसको निकाल रहे हैं, कोई केमिकल डर्ट है हमारा ऑन द प्रोसेस उसको रिमूव कर रहे हैं, इवन ग्रीसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, डाई एंड पंचेस के बीच में उसको हम रिमूव करते हैं, तो सारा का सारा ऑपरेशन हमारा आता है फिनिशिंग के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है? गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो वहाँ से ही रिलेटेड है। अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए शीट जो हमारी है, इस शीट मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं इसको पूरे की पूरी कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम गैल्वनाइज प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। ग्लेजिंग अ प्रोसेस वेयर टू मेटल स्लाइड्स ईच अगेंस्ट ईच अदर टू क्रिएट अ शाइनी वियर प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। उसमें हाइड्रोफॉर्मिंग अ फॉर्मिंग और फैब्रिकेटिंग प्रोसेस दैट यूज अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ डाई माउंटिंग विच यूज हाईली प्रेशराइज फ्लूड ऑफ टू शेप मेटल लाइक स्टील, स्टेनलेस स्टील्स, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ब्रास, ठीक है। मतलब उसको हाइड्रोफॉर्मिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं उसको शेप को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको मोल्ड करते हैं, क्लियर। मेटल पंचिंग, मेटल पंच यूज़ करते हैं इसके अंदर मेटल हैवी मेटल के। अ प्रोसेस इन विच अ मेटल फैब्रिकेशन इक्विपमेंट पंचेस होल्स रोवर्स प्री डिटरमाइंड शेप्स आउट ऑफ द मेटल शीट, ठीक है। प्री डिटरमाइंड मतलब अगर हमारे जो पंच और जो मेटल के डाई के अंदर जो हमारे शेप बनी हुई है उसी के बीच में अगर हम अपनी शीट को प्रेस रखते हैं, उसके बाद हम उसको प्रेस को ऑन करते हैं, तो उसी टाइप के होल्स के अकॉर्डिंग, डाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें वो शीट्स मिल जाएंगी। मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग रोटरी कटर्स टू रिमूव मटीरियल फ्रॉम अ मेटल पीस एडवांसिंग इन अ डायरेक्शन टू एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ टूल, ठीक है, मिलिंग मशीन के अंदर काम करते हैं इसे। ऑक्स एसिटिलीन वेल्डिंग अ प्रोसेस इन विच अ टैंक ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन कंबाइंड विद एडजस्टमेंट टॉर्च टू रिजल्ट इन प्रिसाइज कंट्रोल फ्लेम इज यूज टू हीट मेटल, ठीक है, हीट मेटल करते हैं उससे। रोलिंग ऑपरेशन क्या होता है? रोलिंग, श्रिंकिंग, स्पिनिंग, स्टैम्पिंग, स्ट्रेचिंग, ट्रकिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस, ठीक है, ये सारे के सारे हम शीट मेटल में ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। तो एक एक बार देख लेते हैं। रोलिंग फॉर्मिंग में क्या होता है? अ कॉन्स्टेंट ब्लेंडिंग बेंडिंग प्रोसेस इन विच शीट मेटल कॉइल बार स्ट्रिप ऑफ मेटल पास थ्रू द रोल दैट फॉर्म्स अ मेटल, ठीक है। रोलर्स के अंदर से अगर एक रोलर यहाँ पे एक यहाँ से हम शीट को पास करा रहे हैं तो ये अपना ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। श्रिंकिंग अ प्रोसेस टू रिमूव स्मॉल डेंट्स इन विच द डायरेक्ट डैमेज इज नॉट सीवियरली स्ट्रेच टू टर्न द हार्डनेस ऑफ द बकल्स इज नॉट स्लीव, ठीक है। स्पिनिंग क्या होता है? अ प्रोसेस बाय विच अ डिस्क और ट्यूब ऑफ मेटल रोटेट एट हाई स्पीड एंड फॉर्म्स एन एक्सियली सिमेट्रिक पार्ट यूजिंग अ सीएनसी लेथ और बाय हैंड। स्पिनिंग क्या होता है कि एक सरफेस के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो इसको रोटेट करा रहे हो और यहाँ से हम प्रेशर डालेंगे तो ये इसी शेप के अंदर मोल्ड होता चला जाएगा, या जिसकी जिसके अगेंस्ट हम प्रेशर लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन के अंदर वो उसी डायरेक्शन के अंदर बैंड होकर वो शेप ले लेगा, ठीक है। ट्रकिंग अ मेथड ऑफ श्रिंकिंग मेटल बाय बंचिंग इट टुगेदर थ्रू फोर्स यूजिंग अ क्रीव एंड स्पेड हैमर और फोल्डिंग टेक्निक वेयर द मेटल इज बेंट एट एन एज विद एन होम मेड ट्रकिंग फॉर्क, ठीक है।
टंगस्टन इनर्ट गैस का एक टाइप की वेल्डिंग होती है जो कि इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको फैब्रिकेट करने की हेल्प लिए। और 200 आर्क वेल्डिंग दैट यूज़ अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। पहले तो आपकी जो ये वेल्डिंग है टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, मतलब इसका इलेक्ट्रोड है जो ख़त्म नहीं होता। और इलेक्ट्रोड क्या करता है, हमारा वेल्डिंग के लिए हेल्प करता है। टंगस्टन हमारा मटेरियल, नॉन कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो जो प्रीवियस जो वेल्डिंग वाला चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शीट मेटल टूल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से टूल्स होते हैं, कटिंग के लिए अलग टूल होते हैं, कटिंग टूल्स, स्ट्राइकिंग टूल्स, वेरी गुड, सपोर्टिंग टूल्स, मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स, बेंडिंग एंड फोल्डिंग टूल्स और मिसलेनियस और अदर्स, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये बेंच प्लेट होती है हमारी, ग्रूविंग होल्स बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी क्या है, फ्लैट चीज़र, यहाँ से हम कट करते हैं फ्लैट चीज़र, ठीक है। हाफ मून स्टेक, स्टेक भी क्या करते हैं, अगर आपने शीट को यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है तो इसे यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो जो स्टेक है उसी की शेप में हमारी जो शीट है वो बेंड हो जाएगी या शेप कन्वर्ट करेगी, ठीक है। फनल स्टेक, ये हमारी फनल स्टेक है, ठीक है। हाफ राउंड चीजल्स, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ देखना है तो ये साइट बहुत अच्छी है, learnmechanical.com, यहाँ से जितने भी मैकेनिकल के टूल्स हैं, ऑपरेशन वगैरह हैं, वहाँ पे आप और डिटेल में जाके देख सकते हैं। ये पिक्चर हमने वहाँ से लिए, ठीक है। पाइप प्लायर्स होते हैं, स्प्रिंग डिवाइडर्स, विंग डिवाइडर्स, ठीक है, ट्रैमल, डबल पॉइंट स्क्राइबर, ठीक है, डॉट पंच, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बारी एक एक करके, वन बाय वन करके इनके टूल्स को पढ़ेंगे, इनके डिटेल्स को, ठीक है, आगे चलें। वेरी गुड। कटिंग टूल्स में हमारे कौन से आते हैं, चीजल, स्निप और शेयर। चीजल्स क्या होते हैं, जैसे उन्होंने ऊपर बताया था कि ये किस किस काम आते हैं, कटिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। दिस इज़ यूज टू कट शीट्स, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव अनवांटेड मेटल। अनवांटेड मेटल को आप कट करके ही रिमूव कर सकते हो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ जॉब और बाय चिपिंग। मोस्टली फ्लैट टाइप एंड राउंड नोज टाइप चीजल्स आर यूज्ड। मतलब कौन कौन से टाइप की यूज़ करते हैं हम, फ्लैट और कौन सी यूज़ करते हैं, फ्लैट टाइप एंड राउंड नोज टाइप चीजल। फ्लैट चीजल्स आर यूज टू ऑब्टेन अ फ्लैट सरफेस एंड कटिंग अ वी एज शेप। इट्स कटिंग एन एंगल इज 60 degrees एंड द कटिंग एज वेरीज फ्रॉम 20 to 25 mm इन विड्थ, बट द कटिंग एज ऑफ द राउंड नोज शेप इज राउंड इन शेप एंड यूज टू मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स के लिए हमें कौन सा यूज़ करते हैं, राउंड नोज चीजल्स यूज़ करते हैं। द कटिंग एंगल इज 35 to 40 degrees। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि एक तो कटिंग mm कितना जा रहा है आपका, दूसरा एंगल कितना है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट का स्निप, द टूल सिमिलर टू सीजर्स यूज टू फॉर कटिंग और शेयरिंग। देखो अगर हम ब्लेड से कोई चीज़ काटते हैं तो उसको बोलते हैं कटिंग, लेकिन अगर आप सीजर से कोई चीज़ काट रहे हो तो उसको बोलते हैं शेयरिंग। तो जब भी हम शेयरिंग करते हैं तो सीजर से करते हैं, ठीक है। शेयरिंग थिन मेटल शीट इज कॉल्ड स्निप। इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम 200 mm to 600 mm, मेनली स्ट्रेट स्निप, कर्व्ड स्निप आर यूज। दो टाइप के स्निप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, कर्व्ड और स्ट्रेट। बेंच शेयर इज यूज टू कट द शीट मेटल ऑफ 3 mm थिकनेस। स्ट्राइकिंग टूल्स कौन से होते हैं हमारे, ठीक है, हैमर, ठीक है, मैलेट, हैमर। दीज आर यूज टू शीट मेटल फॉर स्ट्रेटनिंग, बेंडिंग, लेवलिंग, रिविटिंग, रिमूविंग नेल्स, फॉर्जिंग, चिपिंग एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इम्पैक्ट लोड एग्जर्टेड मेनली बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर एंड मैलेट यूज इन प्रैक्टिस, ठीक है। मोस्टली अगर हमें सॉफ्ट ज़्यादा हैवी, हमें शीट की थिकनेस नहीं है हमारी या ज़्यादा हैवी ड्यूटी वर्क नहीं है हमारा, तो मैलेट से काम हो जाता है। उसके बाद अगर मैलेट से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे बॉल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर जा सकते हैं, ठीक है। पंच क्या होता है, दिस इज़ यूज टू मेकिंग आउट मार्किंग आउट वर्क, लोकेटिंग सेंटर्स। दिस इज़ द 4 टाइप, डॉट पंच, सेंटर पंच, लेटर पंच एंड नंबर पंच,
ठीक है, तो पंच हमारे कितने टाइप के हो गए, फोर टाइप के, वन वन टू थ्री एंड फोर, डॉट सेंटर लेटर एंड पंच नंबर। नेक्स्ट हमारे क्या है, सपोर्टिंग टूल्स। सपोर्टिंग टूल्स से स्टार्ट करने से पहले आप लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, मे बी ये किसी को हेल्प करे उसके एग्ज़ाम्स में, उसके वाइवा में, ठीक है, ओके। तो सपोर्टिंग टूल्स में स्टेक्स, एनविल्स, स्विच ब्लॉक, ये सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, हमने पढ़ी होती हैं बट हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते या रिवाइज़ नहीं करते, तो वो स्किप हो जाती हैं। और छोटी छोटे कंसेप्ट से, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से आजकल MCQ क्वेश्चंस आते हैं बीच में से, जो कि एक एक नंबर के होते हैं, बट क्या हमें पता होता है, बट उस टाइम पे हमें स्ट्राइक नहीं करती चाहिए। और स्ट्राइक क्यों नहीं करती है, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज़ नहीं किया या नंबर ऑफ रिवीजन हमने उसको नहीं दिया, इसलिए आते हुए भी वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो वो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन से टूल का क्या फंक्शन होता है, और जब भी वो क्वेश्चन आएगा आपको रिकॉल करेंगे और आपको रिमाइंड आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो सपोर्टिंग टूल्स में हमारे स्टेक्स, एनविल्स, स्विच ब्लॉक। स्टेक्स मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेक्स क्या काम आते हैं, बेंडिंग के काम आते हैं, उस पर फोर्स लगाएंगे तो जिस टाइप की स्टेक होगी उसी टाइप की हमें आउटर सरफेस जो होती है बेंडिंग में, ठीक है, या शेप में वो हमें मिलेगी, ठीक है। द स्टेक्स आर यूज फॉर डूइंग वेरियस ऑपरेशंस लाइक फॉर्मिंग, बेंडिंग, हैमरिंग, स्कीमिंग, ठीक है, सीमिंग। दे आर डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टेक्स अवेलेबल बट बेस्ड अपॉन द पर्पस द रिक्वायर्ड शेप ऑफ द स्टेक इज सेलेक्टेड। मतलब हमारा जो काम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमें बनाना है, जो फैब्रिकेट करना है, उसके अकॉर्डिंग वी विल सेलेक्ट द शेप, स्टेक शेप, ओके। दे आर बीक हॉर्न स्टेक, फनल स्टेक, हाफ मून स्टेक एक्सेट्रा, बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। एनविल क्या होता है, एनविल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, हैवी मेटल का बना होता है। एनविल एक्ट्स एज अ बेस फॉर स्मिथी वर्क वाइल हैमरिंग। द बॉडी ऑफ द एनविल इज मेड ऑफ द माइल्ड स्टील MS, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। द वेट ऑफ द एनविल वेरीज फ्रॉम 100 to 150 kg, इतना भारी होता है आपका, ठीक है, उसको हिलाना मुश्किल होता है। उसी के लिए, इसीलिए जितने भी हमारे हैमरिंग ऑपरेशन या स्मिथी ऑपरेशन होते हैं मोस्टली वो हम उसमें क्या, उस पर रख के फिर हैमरिंग करते हैं, ठीक है। स्विच ब्लॉक, इट इज़ अ कास्ट आयरन ब्लॉक हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट डिफरेंट शेप्स एंड साइज अलॉन्ग इट्स फोर फेसेस। इट ऑल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ थ्रू होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ इट्स बॉटम एंड टॉप एंड बॉटम फेस। दिस ब्लॉक कैन बी यूज फॉर बेंडिंग, पंचिंग एंड शेपिंग मैटर, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेशन हम किस पे कर सकते हैं, हमारे विद द हेल्प ऑफ स्विच ब्लॉक। ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे स्विच ब्लॉक पे हो सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स कौन से होते हैं, स्टील रूल, स्क्राइबर, ट्रेमल, बीम कंपास, डिवाइडर, स्विच प्रोटेक्टर एंड वायर गेज, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये बेसिकली हमें पता है क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, बट फिर भी एक रिवाइज़ करने के लिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। स्टील रूल, इट इज़ यूज टू लीनियर मेजरमेंट अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 0.5 mm। स्क्राइबर, इट इज़ मेड ऑफ द फोर हार्डेड स्टील विद पॉइंटेड एंड यूज फॉर मार्किंग लाइन्स ऑन द शीट पे। क्लियर। ट्रेमल और बीम कंपास, इट इज़ अ बिग साइज कंपास यूज फॉर मेकिंग मार्किंग लार्ज आर्क्स एंड सर्कल ऑन द शीट। डिवाइडर, इट इज़ यूज फॉर डिवाइडिंग स्ट्रेट एंड कर्वीलिनियर लाइन्स, मार्किंग सर्कल्स एंड आर्क्स। स्विंग ब्लॉक ब्लेड प्रोटेक्टर, इट इज़ यूज फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग एंगल्स। वायर गेज, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द शीट। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, बहुत होता है वायर गेज के, कि किस चीज़ के आपकी शीट के थिकनेस और वायर, ये होता बेसिकली कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द वायर गेज। अब यहाँ पे स्लॉट्स लगे होते हैं, इन स्लॉट्स के अंदर आप इंसर्ट करेंगे शीट को और उसका डायमीटर आपको पता लग जाएगा। अलॉन्ग विद इट द स्लॉट्स वी हैव डिफरेंट सर्कल्स ओवर देयर, अब इन सर्कल से क्या पता लगता है कि इन सर्कल से हमें पता लगता है वायर, वायर का डायमीटर आप इसमें प्लेस करेंगे
और वायर का डायमीटर आपको पता लग जाएगा। अगर इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब इसका डायमीटर ये है, तो ये यूज़ होता है वायर गेज का। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द शीट एंड डायमीटर ऑफ द वायर आर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ वायर गॉज। ओके, आगे चलते हैं। बेंडिंग एंड फोल्डिंग टूल्स, प्लायर्स, फोल्डिंग बार्स। प्लायर्स क्या होते हैं? द प्लायर्स आर मेनली यूज फॉर बेंडिंग द शीट मेटल टू द रिक्वायर्ड शेप। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर होल्डिंग एंड कटिंग शीट। दे आर मेनली टू टाइप, पाइप प्लायर एंड कम्बिनेशन प्लायर। ओके, फोल्डिंग बार्स आर यूज फॉर बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑपरेशन ऑफ द शीट। अदर टूल्स, ग्रूविंग टूल्स होते हैं हमारे, और बेंच प्लेट का था, इट इज़ अ प्लेट दैट होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ग्रूविंग टूल का था, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लॉक जॉइंट इन द शीट लाइक वायर्ड एजेस, स्लॉट्स एक्सेट्रा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें ये देख लिया कि किस किस टेक्निक से आप वायर को बेंड करके, कट करके, शेयरिंग करके आप अपना प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, शेप तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी, बट मटेरियल का जो सिलेक्शन है कि किस मटेरियल की हम शीट लें, वो डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्ट पे, हम उस शीट को, उस कंपोनेंट को कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम शीट का जो मटेरियल है वो सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन तो तब करेंगे जब हमें पता हो कि कौन कौन से मटेरियल्स में हमारे पास शीट अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा मटेरियल है? स्टील। ठीक है, स्टील क्या है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटल यूज फॉर पार्ट्स फैब्रिकेशन इज स्टील, विच इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन एंड हैव सम एलिमेंट्स लाइक लाइमस्टोन, कोल एज वेल एज। स्टील इज़ अ पॉपुलर बिकॉज इट्स चीप, ईजी टू वेल्ड थ्रू इट्स लेस डक्टाइल। डक्टिलिटी, डक्टाइल इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, हार्डर टू कट देन सम ऑफ अदर मेटल। इट इज़ ऑल्सो वनरेबल टू कोरोजन। सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं? एक तो डक्टिलिटी वाला फैक्टर और हमारा कोरोजन, इसमें कोरोजन नहीं लगता स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, स्टील के अंदर। फॉर दिस रीज़न देर आर सेवरल स्टील अलॉयज दैट मे ऑल्सो यूज फॉर द मेटल फैब्रिकेशन। नेक्स्ट का हमारा कार्बन स्टील। ओके, ऑल्दो ऑल स्टील्स कंटेन कार्बन, कार्बन स्टील सो नेम्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट। देखो, स्टील के अंदर भी कार्बन है, बट कार्बन स्टील के अंदर क्या है, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टील, कार्बन स्टील कंटेन्स मोर क्वान्टिटी और परसेंटेज ऑफ द कार्बन, हायर कंटेंट ऑफ द कार्बन। लो कार्बन कंटेंट स्टील मे बी फाउंड इन रेलिंग एंड फेंसेज, वाइल यू विल फाइंड मीडियम कार्बन स्टील इन लाइक कार्स, अप्लाइंसेज। द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन स्टील वायर्स। द मोर कार्बन इन योर स्टील द स्ट्रॉन्गर इट इज़, बट इज़ हार्डर टू गेट इन टू द प्रॉपर शेप। आपको कार्बन की परसेंटेज से क्या होगा कि इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, तो उस पर ऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक परसेंटेज तक ही हम हाई कार्बन लेते हैं, और डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को फिक्स करते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ऑल्दो इट अ बिट मोर एक्सपेंसिव, स्टेनलेस स्टील एक्सपेंसिव होता है मोर देन रेगुलर स्टील। स्टेनलेस स्टील इज़ अ पॉपुलर बिकॉज इट्स क्रोमिक कंटेंट प्रिवेंट्स फ्रॉम इट फ्रॉम रस्टिंग। सबसे पहले रस्टिंग से बचाता है हमें। इट इज ऑल्सो क्रिएट्स अ शाइनिंग पॉलिश्ड वेरी सिल्वर कोटिंग, मैनी फाइंड्स एस्थेटिकली प्लीजिंग। यू विल फाइंड स्टेनलेस स्टील इन कुकवेयर्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैनी अदर स्टील प्रोडक्ट। यू वॉन्ट टू बी एक्सपोज टू एयर और वाटर विदाउट रस्टिंग। ठीक है, जहाँ पर एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आके कोई भी अगर मेटल है तो उसमें रस्ट या कोरोजन आ जाएगा, बट स्टेनलेस स्टील में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्रोमियम की परसेंटेज होती है। स्टेनलेस स्टील इज़ फेयरली ईजी टू वर्क विद, बट कैन नॉट बी जॉइंट विद अदर मेटल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे तो इसके साथ काम करना बहुत आसान है, बट इसके साथ में जैसे ही आप कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे ना, तो आपको इसकी जो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये जब अलॉय बनाएगा दूसरे के साथ में मिलके, तो उस जो दूसरा मेटल है, अदर मेटल है, उसकी जो बिहेवियर है वो हमारा क्या है, हमारा जो एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा डिमिनिश कर देगा। इट इज़ ऑल्सो हैवियर देन स्टैंडर्ड स्टील। स्टील इज़ नॉट ओनली द मेटल इन मेटल वर्किंग, देर आर सेवरल अदर पॉपुलर अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ब्रास। तो अब देखते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास में क्या है। एल्युमिनियम इज़ अ लाइट वेट मेटल, इट इज़ अ बिट मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड स्टील।
इट इज़ पॉपुलर अल्टरनेटिव टू स्टील बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्स क्वाइट वेल टू मशीनिंग। मशीनिंग भी बहुत आसान है, लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, इस पर टूल्स की हमारी लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है और रस्ट नहीं लगता। इन एडिशन टू द स्ट्रॉन्ग थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं इसमें, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, हाउएवर द शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू डिक्रीज द एक्सेस ऑफ 40 फैराइट। यू विल फाइंड एल्यूमिनियम पार्ट इन एयर कंडीशनिंग रेफ, अब कहाँ कहाँ पर इसके एप्लीकेशन है, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, एंड वेयर वेरी कोल्ड टेम्परेचर आर नॉट इन कॉमन। ठीक है, कॉपर क्या होता है, कॉपर के भी बेसिकली यूज़ हमें पता है बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉपर कैन बी फेयरली एक्सपेंसिव इवन दो इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज एल्यूमिनियम और स्टील एंड कैन बी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद ड्यूरिंग मशीनिंग और वेल्डिंग। ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो टूल का जो हमारा जो टिप होती है वहाँ पे जब ओवरहीट जनरेट होती है तो वहाँ पे प्रोफाइल थोड़ा सा हमारा डिफर हो जाता है बिकॉज ये हमारा जो एल्युमिनियम है या स्टील है उससे कम टेम्परेचर पे मतलब इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ गुड है। इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू बेंडिंग, कैन क्रिएट ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। इट इज़ टिपिकली डज नॉट रस्ट बट इट कैन एज इन टू अ यूनिक एंड अट्रैक्टिव प्लेटिना फिनिश। इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कॉपर की वायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और कॉपर की जो वायर्स होती हैं उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो भी सही होता है, फ्लो हमारा सही होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉसेस हमारे कम होते हैं। ठीक, कॉपर इज़ ऑफन यूज फॉर पॉट्स एंड पैंस, फिक्चर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द ब्रास। ब्रास इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इज़ अ अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सिस्टिक प्रॉपर्टी विच मीन्स इट इज़ मेनली मेन मैटर इन मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ब्रास बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में मेन इक्विपमेंट मेन मटीरियल के फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इट्स लाइक डोर नॉक हुक्स, नट्स, बोल्ट्स, पाइप्स एक्सेट्रा। ओके, अब ये कुछ बेंडिंग ऑपरेशंस हैं हमारे। ठीक है, बेंडिंग ऑपरेशन को अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में, हर एक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, ठीक है, डायग्राम्स, वी कैन ट्राई टू इमेजिन और लर्न और अज्यूम हाउ द प्रोसेस कैरिड आउट। ओके, दिस इज़ योर शीट, लेट मी चेंज द दिस, यस दिस इज शीट। इनिशियली द शेप ऑफ द शीट इज स्ट्रेट बट वंस द प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम द पंच ऑन डाई एंड द शीट बिकम्स शीट गेट द शेप ऑफ द होल। ओके, एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी द शेप ऑफ द शीट इज आफ्टर द डिफॉर्मेशन इज यू एंड हेयर इज इट कन्वर्ट्स इन सम एंगल, हेयर इज सम zigzag, हेयर इज ऑल्सो zigzag. The deformation between or shape of the punch and die totally decides the bending operation of the sheet. Okay, तो जैसा भी हमारा shape होगा tool और die का, punch और die का, ठीक है, वैसे ही हमारी sheet क्या हो जाएगी, deformed हो जाएगी और हमें product मिल जाएगा। तो अगर हम first की बात करें तो पहले हमें ये shape मिलेगी, फिर हमें ये shape मिलेगी, then this एंड दिस एंड दिस। ठीक है, ये सारे के सामारे क्या है, बेंडिंग ऑपरेशंस हैं। चैनल बेंडिंग, इसको चैनल बेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ यू बेंडिंग, एयर बेंडिंग, ऑफ सेट बेंडिंग, कॉगुलेटिंग एंड ट्यूब फॉर्मिंग। ओके, यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा और हमारा क्लियर हो रखा है। ठीक है, पंचिंग ऑपरेशन, ये हमारा ये यू बेंडिंग है, ये हमारा वी बेंडिंग है बिकॉज यहाँ पे जो शेप हमारी क्या है, वी है, यहाँ पे क्या हमारी शेप यू है। एंड दिस इज ऑपरेशन ऑफसेट बेंडिंग में हमारा क्या है, ये zigzag का पैटर्न आया हुआ है। ये चैनल बेंडिंग में क्या है, स्ट्रेट हमारा रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे शेप्स क्या हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा बनता है। ये हमारा पंच है ऊपर, ठीक है, पंच ये रहा हमारा, ठीक है, एंड ये हमारी क्या है, डाई। तो डाई और पंच के बीच में जो गैप होगा उसी के अंदर हमारी जो शीट मेटल है वो डिफॉर्म्ड होके प्रेशर से वही शेप को गेन करती है। क्लियर,
फॉर्मिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते रहते हैं हमारे, बेंडिंग ऑपरेशन, ड्राइंग ऑपरेशन, ट्रिमिंग और स्लिटिंग, स्लिट कट करते हैं, ठीक है। बेंडिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपका जो पंच और जो डाई है उसके बीच में जो ओपनिंग होगी, सपोज यहाँ पे वी है, तो ये जो बाद में जो बनेगा ये वी शेप ही बनेगी हमारी शीट मेटल की, क्लियर। यहाँ पर क्या है, ड्राइंग ऑपरेशन में क्या करते हैं हम कि डाई और पंचेस के बीच में क्या करते हैं, ये हमारा मटेरियल डिफॉर्म्ड होता है और जो हमारी शेप होती है उसको गेन कर लेता है। ट्रिमिंग में क्या करते हैं कि कुछ एजेस अगर हमारे हैं उनको ट्रिम करके, कट करके हम बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो हम यहाँ से कट करना पड़े या किसी भी एज से, ठीक है। स्लिटिंग में क्या करते हैं हम, जो स्लिट लगा देते हैं, एक ओपनिंग्स बना देते हैं, ठीक है, शीट के अंदर। डीप ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है, डीप ड्राइंग इज़ अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच द शीट मेटल इज स्ट्रेच इन टू द डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड शेप कहाँ से आएगी, हमारी पंच और डाई की वजह से बनेगी हमारी। अ टूल पंचेज डाउनवर्ड ऑन द शीट मेटल फोर्सिंग इट टू द डाई कैविटी इन द शेप ऑफ द डिजायर्ड पार्ट, ठीक है। जैसे टूल हमारा आएगा नीचे, ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा हमारी शीट पे और इसको डिफॉर्म्ड कर देगा, वैसे ही जैसे कि हमारी शीट इसके डाई और पंच के बीच में जितना गैप होगा या ओपनिंग बोल सकते हैं, वही शेप हमारी बन जाएगी, क्लियर। इसको बोलते हैं डीप ड्राइंग ऑपरेशंस। यहाँ पे देखो कि ये इनगॉट है हमारे पास, ये मटेरियल हमारे पास, ठीक है। मटेरियल को हमने सबसे पहले क्या करा, हमने स्लैब बनाया, स्लैब से फिर हमने क्या करा, इसको कंप्रेस किया फिर दोबारा, ठीक है। चाहे वो हम हैमरिंग करके करें या इसको डाई एंड पंच में डालें या फिर हम इसको रोलर से पास करें, हमने क्या करा, इसको इस स्लैब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, शीट में। अब शीट से और ज़्यादा हमने इसको क्या कर दिया, कॉयल की फॉर्म में, ठीक है। अब हमने एक बैलेट लिया, ठीक है, फिर बैलेट से हमने बार बनाया, फिर बार से हमने रॉड बनाई, ठीक है। अब ये ब्लूम है, इससे क्या करा हमने, ये स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब आप एक कंटिन्यूस सीरीज में ऑपरेशन चला के आप मेटल को डिफॉर्म्ड कर सकते हैं और उससे फाइनल प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या मेटल फॉर्मिंग, शीट मेटल फॉर्मिंग के ऑपरेशंस थे, इक्विपमेंट्स थे, टूल्स थे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे देखो, ये शीट थी हमारे पास इनिशियली, ये शीट है हमारे पास, ठीक है। हमने इस पर क्या किया, शेयरिंग ऑपरेशन किया और हमने इनको कट कर दिया, ये कट लगा दिया हमने शेयरिंग ऑपरेशन से, ठीक है। जब हमने कट किया तो हमने क्या मिला, हमें दो पीसेस मिले, दिस एंड दिस, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट था ये क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वन और दिस इज़ प्रोडक्ट टू, ठीक है। और जो ये हमारा रह गया, ये के सारे का सारा स्क्रैप हो गया, इसको हम दोबारा से इसको शीट बनाएंगे, इसको क्या मेल्ट करके अगर बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये एक ऑपरेशन क्या हो रहा है कि ये आपका टेल स्टोक है, ये क्लैम्प है, ये शीट है। ये शीट मेटल पहले स्टार्टिंग में कैसे थी, इनिशियली जो शीट मेटल थी आपकी, इनिशियली ये शीट मेटल ऐसे थी, ये क्लैंप था आपका, ये क्लैंप है, ठीक है, ये रॉड है और ये आपका क्या हो जाएगा, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे ये शेप बनी हुई है इसकी, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, ये शेप बनी हुई है। यहाँ पे ये रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये लेथ मशीन हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, ठीक है। और ये रोटेट करेगा आपका से, जैसे ये रोटेट करेगा हाई स्पीड से, हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से जैसे आप फोर्स लगाओगे, ये मेटल क्या करेगा, जो हमने बात की थी स्टेक की, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिफॉर्म्ड होना स्टार्ट होगा और इसी शेप को एक्वायर कर लेगा। तो सेम इसने क्या करा, इसी शेप को एक्वायर कर लिया हमारा, ठीक है। तो ये भी क्या शीट मेटल ऑपरेशन है। आई होप लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। आपको आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और जिनको कोई डाउट नहीं था, जो फर्स्ट टाइम देख रहे थे, उनको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि शीट मेटल जो शॉप है हमारी, वर्कशॉप में हम क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट होते हैं, चाहे हमारा होल्डिंग इक्विपमेंट हो, मार्किंग इक्विपमेंट हो, ठीक है, या मिसलिनेशन में से कुछ हो, ठीक है। तो आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट दैट यू गाइज स्टडी वेल, यू गेट गुड मार्क्स, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। So before leaving the session, please like, subscribe and comment on the lecture. Thank you so much.